इस कहानी की शुरुआत में एक चाइनीज प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो एक बौद्ध शास्त्र को पढ़ रहे होते हैं, जहां बौद्ध धर्म से रिलेटेड ऐसे कहानियों को पढ़ रहा होता है। लेकिन तभी वहां पे एक आदमी आ जाता है जो अपने आप को स्नेक हेड कहता है, जो इसी तरह के कुछ चीजों को ढूंढ रहा होता है। जहां वो पढ़ता है कि एक ऐसा भी समय आएगा जब परमात्मा एक बच्चे को चुनेगा जिसे चोजन वन कहा जाएगा, और उसके पास इतना शक्ति होगा जो एक मंदिर में गौतम बुद्ध के आंखों के दो पुतलियों से दो पदक को निकालेगा और साथ ही साथ उसको जोड़ेगा, उससे किरणें निकलेगी और इससे उसके पास इतनी शक्ति आ जाएगी कि वो किसी को अमर बना सकता है और इसके साथ ही बहुत शक्ति भी दिला सकता है। लेकिन इसके साथ ये भी लिखा हुआ था कि अगर ये पदक किसी को अमर बना सकती है तो उसी पदक से जिंदगी भी ले सकती है और इस पदक के अंदर कैद भी कर सकती है। लेकिन स्नेकहेड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे बस वो पदक चाहिए ताकि वो असीम शक्ति का मालिक और अमर बन सके। जिसके बाद वो उस प्रोफेसर को कुछ पैसे देकर कहता है कि इसके बारे में किसी को नहीं बताने के लिए, नहीं तो वो उसे मार डालेगा, और इसके बाद वो उस किताब को वहां से ले जाता है। अब कहानी शिफ्ट होकर 5 साल के बाद दिखाया जाता है हांगकांग में, जहां हांगकांग पुलिस इंस्पेक्टर एडी इंटरपोल के साथ स्नेकहेड को पकड़ने के लिए योजना बना रहा होता है, और यहाँ इंटरपोल को लीड कर रहा होता है वॉटसन, जो एडी को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा होता है और उसके हांगकांग कल्चर के बारे में उसे उल्टा सीधा बता रहा होता है। अब इसके जवाब में एडी कुछ नहीं कहता, वो बस सुन रहा होता है कि वो उसका सीनियर है। बिल्कुल स्नेकहेड वहाँ पहुंच चुका होता है अपने एक आदमी के साथ, और इसके साथ एक कालिया होता है जो उसका बॉडीगार्ड था, जो कि उसी मंदिर के पीछे के रास्ते से घुसकर सभी को मार रहे होते हैं और उस बच्चे को देख लेता है, जहाँ ये देखने को मिलता है कि वो बच्चा गौतम बुद्ध के आंखों की पुतलियों से दो पदक निकालता है और उसे जोड़ देता है जिससे किरणें निकल रही होती है। और स्नेकहेड वहाँ पहुंच चुका होता है और उस बच्चे से कहता है कि मुझे जो चाहिए सिर्फ तुम्हें दिला सकते हो। लेकिन तभी कालिया वहाँ पहुंच जाता है और अपने बॉस से कहता है कि यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि इंटरपोल यहाँ पहुंच चुके हैं उसे अरेस्ट करने के लिए। लेकिन स्नेकहेड का कहना होता है कि अभी तक रस्म पूरी नहीं हुई है और उसे ये बच्चा चाहिए। और तभी एडी वहाँ पहुंच चुका होता है, और इससे पहले एडी उसे पकड़ ले, वहाँ कुछ दिए जले हुए थे जिसे लात मारकर पूरे जगह पर आग लगा देता है। जैकी देखता है कि उस बच्चे के आसपास आग पकड़ चुकी थी और वो किसी तरह से बचा लेता है। जैसे दोनों पीछा करते हैं स्नेकहेड अपने आकालिया के साथ भाग जाता है। यहाँ दोनों को यह समझ नहीं आ रहा होता है कि स्नेकहेड को इस बच्चे से क्या लेना देना है और वो उसे किडनैप क्यों करना चाहता था, जो वॉटसन भी सोचने पड़ जाता है। लेकिन इसके बाद वॉटसन सारा दोष एडी के ऊपर दे देता है और कहता है कि उसी की वजह से वो भाग गया है। अब कहानी दो हफ्ते के बाद दिखाया जाता है, जहाँ एडी और उसकी टीम को पता चल चुका था कि उस दिव्य बच्चे को किडनैप कर लिया गया एक बार फिर से, और वो उसे यही ला रहे हैं। बिल्कुल दिखाया जाता है कि उस बच्चे को वहां तक लेके आता है, और इस बार यहाँ पे स्नेकहेड नहीं था, उसका आदमी लेस्टर वोंग था, जो अपने डिवाइस से स्नेकहेड से बात करता है और स्नेकहेड भी कंफर्म कर लेता है कि यही वो बच्चा है और उसे जल्द से जल्द डबलिन ले आए। जिसे देखने के बाद एडी भी कंफर्म कर लेता है कि उन्हें इस बच्चे को बचाना ही होगा। लेकिन तभी वहाँ पे हांगकांग मरीन पुलिस वहाँ पहुंच जाती है और सभी से कहता है कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, अपने जगह से ना हिले। लेकिन तभी कालिया अपने आरपीजी उठाकर उस शिप पर शूट करता है और वो शिप ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखने के बाद कालिया काफी खुश हो रहा होता है। और इसी बीच एडी और उसका टीम भी कूद जाता है लेस्टर वोंग के आदमी से लड़ने के लिए, और यहाँ पे शुरू होता है एक अच्छा खासा फाइट सीन, जहाँ एडी और उसका टीम अच्छी तरह से उसके आदमियों के साथ लड़ रहा होता है, उन्हें कूट रहा होता है। लेकिन इससे पहले एडी उस बच्चे को बचा पाए, जिसके लिए वो जंप भी करता है, लेकिन तब तक वोंग और कालिया उस बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब एडी स्नेकहेड को पकड़ने के लिए वो डबलिन पहुंचाता है, जो कि आयरलैंड का राजधानी है, जहाँ इंटरपोल के कमांडर के साथ उसका एक मीटिंग होने वाला है। जिसके बाद वो हेडक्वार्टर पहुंच जाता है और वो वेट कर रहा होता है कमांडर से मिलने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की को देखता है, जिसे देखकर वो लड़की स्माइल कर रही होती है, और पता चलता है कि इस लड़की का नाम है निकोल, जो एडी का एक्स गर्लफ्रेंड होता है और बस 8 महीने पहले उनका ब्रेकअप हुआ था। निकोल एडी को देखकर काफी खुश होती है और इसके बाद वो उसे लेकर कमांडर के पास ले आती है, जहां कमांडर एडी का शुक्रिया अदा करता है इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए। लेकिन तभी वॉटसन वहां पहुंच जाता है और एडी को देखकर वो शॉक हो जाता है कि वो यहां पे क्या कर रहा है। कमांडर समझाता है कि एडी भी इस मिशन में है, लेकिन वॉटसन कहता है यहाँ का मिशन वो खुद संभालेगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद कमांडर वॉटसन को डांटता है और कहता है कि अगर वो इस तरह के बदतमीजी और इसे बेइज्जत करने की कोशिश किया तो उसे इस मिशन से निकाल देगा। जिसके बाद वॉटसन मान जाता है कि एडी भी इस मिशन में काम कर सकता है। और यहाँ निकोल बता रही होती है कि इंटेलिजेंस से कोई इन्फॉर्मेशन मिला है कि स्नेकहेड का आदमी यहाँ के शिपयार्ड में उस बच्चे को लाने वाला है और यही मौका है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन कौन से शिप में आ रहा है उन्हें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद कमांडर तीनों से कहता है कि इस मिशन पर लग जाने के लिए और इसके साथ ही स्नेकहेड और उस बच्चे को भी करके ढूंढ निकाले। अगले सुबह एडी वॉटसन से मिलने वाला होता है और इसके लिए वो टैक्सी पकड़ने वाला होता है, और तभी वो देख लेता है कालिया को, जिसे देखकर वो पहचान जाता है और कालिया एडी को देखकर भागने लगता है। अब कालिया एडी से बचने के लिए जिस तरह से वो उड़ के भाग रहा होता है, जो देखने में ऐसा लग रहा होता है कि वो काफी खतरनाक है, लेकिन एडी भी कहाँ कम था, वो उसके सारे पैतरे को फेल करते हुए उस तक पहुंच जाता है और उसे पकड़ कर अच्छी तरह से कुटाई करता है। जिसके बाद वो उसे कचरे के डिब्बे में फेंक देता है और इस डिब्बे में जोरदार लाते मार रहा था। जिसके बाद एडी कालिया से पूछता है कि वो उस बच्चे को कौन से शिप में कब ला रहा है और वो शिप कौन सा है, जिसके जवाब में पहले कालिया कुछ बता नहीं रहा था, लेकिन इसके बाद सब कुछ उगल देता है।
जिसके बाद एडी दौड़ते और हाँपते हुए वॉटसन के पास पहुंच जाता है। वॉटसन ने उसे देखकर गुस्सा हो जाता है कि वो पहले मिशन में इतना लेट कैसे हो सकता है, लेकिन खैर वॉटसन मान जाता है कि वो अभी भी इस मिशन का लीडर है। जिसके बाद वो एडी से कहता है कि जल्द से जल्द उस शिपयार्ड तक पहुंचने के लिए। इसके बाद तीनों उस शिपयार्ड तक पहुंच जाते हैं और तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाकर उस बच्चे को ढूंढ रहे थे। जहाँ एडी उस बच्चे के पास पहुंच जाता है और वॉन्ग से कहता है यू आर अंडर अरेस्ट। जिसके बाद वो उस बच्चे को खींचने की कोशिश करता है और फिर एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ एक बार फिर से एडी सबकी धुलाई कर रहा था और इसी मौके का फायदा उठाकर वो बच्चा वहां से भाग जाता है। जब वॉटसन और निकोल को इसके बारे में पता चलता है तो वो भी उनके आदमियों से लड़ रहे होते हैं और तभी वॉन्ग देखता है एडी को, जिसके बाद वो आदमियों से कहता है एडी के ऊपर गोली चलाने के लिए, जिससे बचते हुए वो एक कंटेनर के पास से उनके आदमियों से लड़ रहा होता है और इसी दौरान वॉन्ग के आदमी एडी को मारकर वो एक कंटेनर में बंद कर देता है। लेकिन इसके बाद एडी को पता चलता है कि वो बच्चा भी उसी कंटेनर में था, जिसे देखकर वो खुश होता है। जिसके बाद वो वॉटसन को कॉल करके कहता है कि वो एक कंटेनर में फंसा है, लेकिन उसे पता नहीं। जिसके बाद निकोल और वॉटसन उस कंटेनर को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिल रहा था। कंटेनर में से वो किक लगा रहा होता है ताकि कंटेनर के आवाज से दोनों को पता चल जाए और निकोल को ये पता चल चुका होता है कि वो कंटेनर कौन सा है। जैसे निकोल उस कंटेनर को खोलने वाला होता है, तभी वॉन्ग एक दूसरे कंटेनर से उस कंटेनर को धक्का लगाता है, जिससे निकोल छटक जाता है और वो कंटेनर सीधा पानी में जाकर डूब जाता है। कंटेनर पानी के अंदर घुसते ही उसके अंदर पानी भर रहा होता है एक प्लास्टिक का टेंट, जिसके बाद वो उसके ऊपर हवा भरकर उस बच्चे को उसके अंदर डाल देता है ताकि पानी उसे छू ना पाए और खुद पानी के अंदर डूब रहा होता है। लेकिन इसके बाद भी वो स्माइल कर रहा था। वो बच्चा सब कुछ देख रहा होता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता और इसी तरह से सीन कट हो जाता है। कंटेनर खोलने के बाद वॉटसन को बच्चा बिल्कुल सुरक्षित मिलता है, लेकिन निकोल को पता चलता है कि एडी की वही मौत हो चुकी है, जिसे देखने के बाद वो काफी दुखी थी। लेकिन वो बच्चा एडी को देख रहा होता है और दोनों के जाने के बाद वो अपना पदक का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद कुछ रोशनी निकल रहा होता है और इसके बाद वो बच्चा वहां से चला जाता है। अब हॉस्पिटल के मॉर्ग में दिखाया जाता है, जहां निकोल के साथ सभी वहां पे पहुंच चुके थे और सभी अपना दुख साझा कर रहे होते हैं। और सबके जाने के बाद वॉटसन भी दुखी था, वो माफी मांग रहा होता है कि जब उसके जरूरत थी तो वो वहां पे नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पे एडी पहुंच जाता है, जिसे देखने के बाद वॉटसन को ऐसा शॉक लगता है जैसे कि मानो उसने भूत देख लिया और उससे दूर रहने के लिए कहता है। यहाँ एडी समझ नहीं पाता है कि वो उससे दूर क्यों भाग रहा है और उसके कपड़े किधर गए और वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी वॉटसन उसके लाश से कपड़ा हटाता है, जिसे देखने के बाद एडी भी चिल्लाने लगता है। फिर एडी कहता है कि ये नकली होगा, लेकिन जब एडी चादर उठाकर अपना वो चेक करता है तो उसे ये समझ आ जाता है कि एक्चुअली वही है। आप समझ सकते हैं कि उसने क्या देखा होगा, जो कि वो वॉटसन को देखने से मना करता है। तभी एडी सोच रहा होता है कि उसके साथ हो क्या रहा है और ये डुप्लीकेट है कौन। तभी एडी को याद आता है उस बच्चे के बारे में और उसके पदक के बारे में, जहाँ वॉटसन कहता है कि उसके पास है और वो उस पदक को एडी को दे देता है। जैसे उस मेडल को सामने रखता है, उसमें से मछली और सांप को दिखा जाता है जो कि हिल रहा होता है और वहाँ पे कुछ मैजिक वगैरह हो रहा होता है। और सेकंड्स के अंदर एडी की लाश गायब हो जाता है, जिसे देखकर वॉटसन एडी से कहता है कि वो गायब कैसे हो गया। जब एडी और वॉटसन अपने सवालों के लिए उस बच्चे से मिलने जाता है, तभी वो देखता है कि वहाँ पे एक नर्स और डॉक्टर थे जो उस बच्चे को कुछ टेस्ट कराने के लिए वहाँ से ले जा रहे थे। तभी एडी उस बच्चे के पास आकर कहता है कि उसका अमानत उसके पास है और वो उस पदक को उसे लौटा देता है, लेकिन वो बच्चा उसका आधा हिस्सा उसे लौटा देता है और आधा अपने पास रख लेता है। लेकिन यहाँ पे एडी को कुछ शक होता है कि ये नर्स बूट में क्यों है, शायद कुछ गड़बड़ हो सकता है। तभी वो कमरे से बाहर कर उस डॉक्टर से कहता है रुकने के लिए और वो डॉक्टर पीछे मुड़कर एडी और वॉटसन के ऊपर गोली चलाता है और एडी वॉटसन को बचा लेता है, जो कि यहाँ पे कुछ मैजिक वगैरह हो रहा था और वॉटसन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद वो बच्चा किसी तरह से वहां से निकल के भाग जाता है और यहाँ एक बार फिर से फाइट शुरू हो जाता है, जहाँ पे कुछ और आदमी वहाँ पे आ जाते हैं उस बच्चे को उठाने के लिए। लेकिन मानो एडी के पास कोई सुपर पावर आ चुका होता है, जहाँ वो उड़ उड़ कर उन लोगों से लड़ रहा होता है। जिसके बाद एक डॉक्टर उसके ऊपर गोली चला देता है और उसके सीने से कुछ रोशनी निकल रहा होता है। कुछ मिलकर उस बच्चे को एक बार फिर से पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन वॉटसन वहां पहुंचकर अपना एक्शन दिखाता है और उस बच्चे को बचा लेता है। तभी जैकी वहां पहुंचकर सभी से लड़ रहे होते हैं। निकोल अपने आदमी के साथ पहुंच जाता है, तब तक वो नर्स वहां से भाग जाता है। इससे पहले निकोल एडी को देख ले, एडी वॉटसन से इशारों से कहता है कि उसके बारे में निकोल को नहीं बताने के लिए। जब निकोल वॉटसन से पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ था, वो बता देता है कि स्नेकहेड के आदमी एक बार फिर से उसे किडनैप करने के लिए आए थे, जिसे देखते हुए निकोल कहती है कि अब वो बच्चा उसके साथ ही रहेगा। जिसके बाद एडी को कुछ महसूस हो रहा होता है कि उसके पास कुछ मैजिकल पावर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसे दिखाने के लिए वॉटसन को कहता है चाकू से वार करने के लिए, लेकिन वॉटसन कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद वो खुद ही अपने सीने में चाकू घोपता है, जिससे कोई खून नहीं निकलता बल्कि रोशनी निकल रहे होते हैं। अब ये देखकर वॉटसन भी ताज्जुब था कि ऐसा कैसे हो सकता है, और फिर वो चाकू से खेल रहा होता है, कई बार उसे घोप रहा होता है। ये देखकर वॉटसन भी मान लेता है कि एडी के पास सचमुच कुछ मैजिकल पावर्स आ चुके हैं। अब स्नेकहेड अपने आदमियों को डांट रहा होता है कि उनसे एक बच्चे किडनैप नहीं होता है। जिसके बाद वो सभी बताते हैं कि उसने क्या देखा और एडी के साथ क्या होता,
क्योंकि अब तक तो मर जाना चाहिए था, लेकिन उसके पास कैसे इतने सारे सुपर पावर्स आ चुके हैं। ये सब सुनने के बाद स्नेकर समझ आता है कि शास्त्रों में जो लिखा था वो बिल्कुल सही था और सच में वो बच्चा अलौकिक है। फिर से वो अपने आदमी से कहता है कि उस बच्चे को उसके पास लेके आने के लिए। दूसरी तरफ एडी और वॉटसन कुछ प्रोफेसर से बात कर रहे होते हैं इसी पदक के बारे में, जहाँ एक प्रोफेसर डिटेल में सब कुछ समझा देता है और इसके साथ ही कहता है कि अगर वो बच्चा उसके साथ है तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो बच्चा एक भगवान है। जिसके बाद दोनों सोच में पड़ जाते हैं और दोनों डिसाइड करते हैं निकोल के पास जाने के लिए, क्योंकि उसे भी खतरा हो सकता है। इधर निकोल उस बच्चे का ख्याल रख रही होती है और यहाँ वो बच्चा फाइनली निकोल को अपना नाम बताता है और वो कहता है उसका नाम जय है। तभी जय एक फोटो उठा लेता है जिसमें निकोल और एडी का एक फोटो था। इसे देखकर निकोल से कहता है कि इसने इस आदमी को बचा लिया है। अब ये सुनने के बाद निकोल को थोड़ा अजीब लग रहा था और इस बात को वो इग्नोर कर देती है और कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन तभी वो एडी को इशारा करता है जो कि वहां पहुंच चुका होता है, जिसे देखने के बाद निकोल बहुत खुश होती है और एडी से मिलने के लिए अपनी खिड़की के पास चली जाती है। लेकिन तभी स्नेक हेड का एक आदमी कांच तोड़कर अंदर आता है और जय को उठाकर ले जाता है, जिसे देखते हुए जैकी अपना सुपरह्यूमन पावर का इस्तेमाल करता है जय को बचाने के लिए, लेकिन वो नाकाम होकर नीचे गिर जाता है, जहाँ कमांडर अपने आदमियों के साथ खड़ा था और वो भी शॉक हो जाता है कि एडी अभी भी जिंदा है और वॉटसन कमांडर को यही समझा रहा होता है। जिसके बाद जय को एक कैसल में लाया जाता है, जहाँ स्नेकेड उस बच्चे से कहता है कि अभी वो मरने वाला है और वो उसे वापस जिंदा करेगा। अगर वैसा नहीं करता तो वो अपने एक आदमी से कहता है कि इस बच्चे को गोली से उड़ा देने के लिए। जिसके बाद सचमुच स्नेकेड जहर खाकर वही मर जाता है और इसके कुछ ही सेकंड्स के अंदर जय उसे जिंदा कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ पे आकर एक फूक से अपने लाश को उड़ा देता है। अब स्नेकर जय से कहता है कि उसे भी मरना होगा, लेकिन जय उसे कहता है कि वो अमर नहीं बना है, वो अभी भी मॉर्टल है। जिसे सुनने के बाद स्नेकर बिल्कुल चौंक जाता है और वो कहता है कि वो अमर कैसे बन सकता है। जय बताता है कि अमर बनने के लिए इस पदक का दूसरा हिस्सा भी चाहिए होगा, दूसरा हिस्सा एडी के पास है। इधर एडी निकोल को पूरी कहानी बताता है कि किस तरह से उस कंटेनर में जब उसकी मौत हो गई थी, कैसे जय उस पदक का इस्तेमाल करते हुए उसे वापस जिंदा किया और इसके साथ ही उसका आधा हिस्सा उसे दे दिया, जिसे वो निकोल को दिखाता है। ये सब निकोल को समझने में थोड़ा सा वक्त लग रहा होता है, लेकिन वो समझ जाती है और वो एडी से कहती है सावधान रहने के लिए, क्योंकि स्नेक हेड अब दूसरा वाला हिस्सा लेने के लिए उसके पीछे आएगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है जब एडी पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है, स्नेक हेड के आदमी उसका पीछा कर रहे होते हैं और एडी फ्लैश बनकर दौड़ते हुए वहां से निकल रहे होते हैं, लेकिन फाइनली उसका सामना स्नेक हेड से हो ही जाता है। जहाँ स्नेक हेड उसे वार्न करता है कि अब भाग के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब दोनों के पास वही शक्ति है। जिसके बाद स्नेक हेड एडी से कहता है दूसरा वाला हिस्सा दे देने के लिए और वो जबरदस्ती उसे छीने जाता है, जिसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और ऐसा लगता है कि स्नेक हेड एडी से ज्यादा ताकतवर है और वो एडी को बुरी तरह से पीटता है और उससे वो पदक छीन लेता है। जब वॉटसन बंदूक लेकर वहां पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब एडी को होश आता है तो कहता है कि वो बच्चा खतरे में है और उसे बचाना होगा। वॉटसन कहता है कि स्नेक हेड के एक आदमी से ये पता कर लिया है कि स्नेक हेड ने जय को कहां ले गया है। जिसके बाद जय को बचाने के लिए निकोल और एडी बाइक पर निकल जाते हैं और वॉटसन एक फ्लाइट लेकर वहां पहुंच रहा होता है। दूसरी तरफ स्नेक हेड जय को ले जा रहा होता है अपनी रस्म को शुरू करने के लिए और तभी एडी और निकोल वहां पहुंच जाता है, जहां दोनों अलग होकर जय को ढूंढ रहे होते हैं और तभी स्नेक हेड के कुछ आदमी वहां पहुंच जाते हैं, जिससे एडी बहुत ही आसानी से लड़ता है और लड़ते हुए वो वॉन्ग के पास पहुंच जाता है और उसे एक जोरदार किक मारता है। लेकिन तभी एडी देखता है कि वॉटसन अपने फ्लाइट के साथ कांच तोड़कर अंदर घुस जाता है, जिसके बाद एडी वॉटसन के पास आकर चेक करता है और वो बिल्कुल ठीक था। दूसरी तरफ निकोल भी कम नहीं थी, वो भी स्नेक हेड के आदमियों के साथ वो लड़ती है और उस फेक नर्स वाले लड़की को अच्छी तरह से धोती है, जिसके बाद वो फाइनली जय के पास पहुंच जाता है जहां पे कुछ रिचुअल्स चल रहा होता है। वो जय से कहता है कि अभी यहां से निकले के लिए, लेकिन उल्टा जय उसे कहता है कि वो खतरे में, वो यहां से भाग जाए। लेकिन निकोल नहीं सुनती और वो जय को आजाद करा देती है और जैसे वो भागने वाली थी वहां पे स्नेक हेड पहुंच जाता है, जो कुछ मैजिकल पावर्स वो दिखा रहा था। लेकिन इसके बाद भी निकोल जय को लेकर भागता है, लेकिन वो कहां तक भाग पाएगी, स्नेक हेड एक ही सेकंड में उसे पकड़ लेता है। तभी निकोल जय के हाथ से पदक लेता है और दूर फेंक देता है और स्नेक हेड भी निकोल को पकड़ के दूर फेंकता है और उसे कहता है पदक ले आने के लिए, जहां निकोल ऊंचाई से गिर रही होती है और इससे पहले एडी निकोल को बचा ले, निकोल नीचे गिर के मर जाती है और वो पदक एडी के पास पहुंच जाता है। निकोल की यह हालत देखकर एडी को काफी दुख पहुंचता है, लेकिन स्नेक हेड एडी से कहता है कि एक लड़की की वजह से उसे आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अमर है और हम असीम शक्तियों का मालिक है। और इसके साथ वो एडी से कहता है कि उसके ग्रुप में शामिल हो जाने के लिए, ताकि दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करें। बिल्कुल ये बात एडी को गवारे नहीं था और अब एडी स्नेक हेड से लड़ाई करने लगता है, जहां दोनों ऊपर उठकर एक दूसरे को किक लगा रहे होते हैं और लात घूसों की बरसात कर रहे थे। लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा होता है कि एडी स्नेक हेड से कमजोर था। तभी स्नेक हेड एक नोकेला लकड़ी एडी की तरफ फेंक कर मारता है, जो कि एडी के पैर में घुस जाता है और घुसकर उस पदक पर धंस जाता है। जाहिर सी बात है कि एडी को ऐसा कुछ नहीं होता है और उससे वो बाहर निकल जाता है। और तभी जय एडी से कहता है कि उस कॉइन को स्नेक हेड की तरफ फेंक कर मारने के लिए, क्योंकि इस फिल्म की शुरुआत में मैंने कहा था कि अगर यह पदक किसी को अमर बना सकती है तो इसके साथ ही किसी के जिंदगी को भी खींच सकती है और इसके साथ ही कैद भी कर सकती है।
बिल्कुल एडी ऐसा ही करता है और इस लकड़ी को वो स्नेकेट की तरफ फेंक कर मारता है। स्नेकेट भी समझ रहा होता है उसकी जान जाने वाली है और जैसे ही वो कॉइन उसके सीने पे लगता है उसके शरीर से रोशनी निकलने लगती है और इसके साथ ही एक मछली और सांप निकल जाता है जो शास्त्रों के अनुसार किसी को जिंदगी प्रदान करती है। स्नेकेट चिल्ला रहा होता है और वो सांप और मछली उसे ऊपर लेके जाती है और फिर उसके लाइफ फोर्स को खींच कर वापस कॉइन बनकर नीचे गिर जाती है। जैसे एडी उस क्वाइन को हाथ में लेता है तो वो देखता है कि उस क्वाइन में स्नेकहेड को कैद कर लिया है, जिसे देखने के बाद वो ताजुब हो जाता है। अब एडी उस क्वाइन को लेकर जे के पास लेकर जाता है और कहता है क्या इससे निकोल को वापस ला सकता है। जे कहता है कि उसे ये करने के लिए जैसे एडी उस क्वाइन का इस्तेमाल करता है दूसरी तरफ से निकोल हंसते हुए वो आ रही होती है, जिसे देखने के बाद एडी खुश होता है और दोनों किस कर रहे होते हैं। वर्सन जे के पास आकर कहता है कि उसे भी इस पावर की जरूरत है, लेकिन तभी एडी और निकोल हवा की गति से वहां से निकल जाते हैं जहां वर्सन दोनों को बुला रहे थे और जे एक पोर्टल खोलकर दूसरे डायमेंशन में चला जाता है और एडियो निकोल इकट्ठे दौड़ रहे होते हैं और इस दौड़ का मजे ले रहे थे और ये दिखाते हुए इस मूवी का एंड यही हो जाता है।